शिवपुरी जिले की पोहरी में बीती रात करीब 12:08 लंबे मगरमच्छ को आईटीआई कॉलेज के गेट के सामने बैठा देख पास ही स्थित रिहायशी कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रस्सी का फंदा और त्रिशंकु लकड़ी की मदद से लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को कब्जे में लिया। इस बीच करीब 3 घंटे तक कॉलोनी में हड़कंप मचा रहा। वन विभाग के अधिकारी पोहरी रेंजर KPS धाकड़ ने बताया कि आईटीआई कॉलेज के पास से निकले बरसाती नाले में से आकर मगरमच्छ आईटीआई कॉलेज में घुस गया था। उन्होंने बताया कि बरसाती नाला सरकुला नदी से जुड़ा हुआ है। मगरमच्छ को रेस्क्यू कर कोरू नदी में छोड़ दिया गया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। निकलने का मामला सामने आया है, हालांकि वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। सर, मगरमच्छ ये पहली बार ही हुआ है कि पोहरी मगरमच्छ आया है, ऐसा कहाँ से आ सकता है? मगरमच्छ वैसे शिवपुरी में तो काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं, तो हो सकता है शिवपुरी से चल के इधर यहाँ पानी के द्वारा आ गया हो। रात को 1 बजे लगभग सूचना मिली थी कि पोहरी आईटीआई के पास में मगरमच्छ बैठा है। टीम को लेकर हम लोग गए, 2 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया, रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी में छोड़ दिया गया। सर कहाँ छोड़ा है? ये कुरु नदी में छोड़ दिया गया है।